हेलो दोस्तों, आधिका मम किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं राइस परे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और ये हमारी जो रेसिपी है वो भी बिल्कुल अलग है। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइस बड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कटोरी राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा लिया है। एक कटोरी उसी के बराबर मैंने यहाँ पे दही लिया है। दोस्तों, इसी कटोरी से हम एक कटोरी पानी का यूज़ करेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पे मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिया है। दोस्तों, आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च को भी काट के डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, अगर आपका मन है तो आप डालेंगे तो आप इसको स्केप भी कर सकते हैं। और एक छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा लिया है। तो दोस्तों, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमको जिसमें बनाना है, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन में हम ये जो दही है उसको डालेंगे। इसके साथ ही इसी कटोरी से हम एक कटोरी पानी डालेंगे इसमें दोस्तों। और इसी कटोरी से हम एक कटोरी पानी भी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। अब इसमें हम ये जीरा डाल देंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे आधे छोटे चम्मच हम यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डालेंगे। ये चावल का आटा डाल के हमको इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है दोस्तों। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा घोल है वो बिल्कुल रेडी है। पर इसको हम गैस पे रखेंगे और इसको हमको पकाना है दोस्तों। अब इसको मैंने गैस पर रख दिया। तो इसमें हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे दोस्तों। आपको जितना तीखा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें। और आप यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक काट के आप इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे और इसको हमको बिल्कुल जैसे आटे का डो होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसका डो तैयार करना है जैसे कटलेट हम बनाते हैं एकदम। बिल्कुल ऐसे ही हमको इसको सुखाना है और इसको बिल्कुल हमको छोड़ना नहीं है, ना तो ये जो नीचे है ना आटा जो है वो नीचे चिपक जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट होने के बाद ही जो है ये गाढ़ा होने लगता है। तो बिल्कुल हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसको हमको बिल्कुल घुमा घुमा के ऐसे ही चलाना है दोस्तों। और गैस की फ्लेम जो है वो हमको मीडियम करनी है, हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये पकड़ लेगा नीचे से जो है वो आटा चिपकने लगेगा और ये जल जाएगा दोस्तों। हमको बिल्कुल ऐसे ही इसको सुखा लेना है अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, अभी बिल्कुल अच्छे से सूख रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी अच्छे से सूख गया है। तभी से हम थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल के और इसको मिक्स करके और हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे दोस्तों। जब तक डो ठंडा हो रहा है तब तक हम गैस पे तेल भी रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है और मैंने ऑयल डाल दिया इसको फ्राई करने के लिए। तब तक हम ऑयल को हीट होने देते हैं दोस्तों। अब जो डो है वो हल्का ठंडा हो गया है तो हमारे हाथ में ऐसे ऑयल लगा के या फिर हम पानी लगा के, आप ऑयल का यूज कर सकते हैं, हम पानी का यूज कर रहे हैं। तो हल्का इसको भिगा के और हम एक छोटा छोटा डो, आपको जिस साइज का चाहिए आप उस साइज का इसको बना सकते। ये देखिए दोस्तों, ऐसे मैंने बना लिया। अब इसमें हम होल कर देंगे जैसे डोनट्स होता है ना बिल्कुल वैसे, या फिर आप कैसे भी सेप साइज में इसको बना के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसमें ऐसे होल कर देंगे दोस्तों। ऐसे ही करके हमको सारा रेडी करना है। तो ये देखिए दोस्तों, एक और रेडी हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, आपको जिस शेप में साइज में जिसमें चाहिए तो आप वैसे इसको बना के फ्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ऑयल भी गर्म हो गया तो इसको हम फ्राई करते हैं। एक बार हम ऑयल को भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, ऑयल जो है वो हीट हो चुका है। तो अब इसमें हम एक एक करके ये बड़ा डालेंगे। दोस्तों, इसको हमको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, तेज नहीं करेंगे हम। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा बड़ा होगा वो जल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसका जो रंग है वो चेंज हो रहा है। तब इसको हम पलट के दोनों साइड से इसको हम फ्राई करेंगे। इसको उसको धीरे धीरे करके फ्राई करेंगे।
ये देखिए दोस्तों, जो हमारा बड़ा है वो कर लगभग रेडी है, तो इसको हम गोल्डन फ्राई होने तक इसको हम फ्राई करना है हमको। तो दोस्तों अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा राइस बड़ा है वो बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।